दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यू रेसिपी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जो है बनने वाला है मीठा दूध का पेड़ा, तो वो आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग चीनी में तो बनाए होंगे लेकिन मीठा में आप लोग नहीं बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आप लोग को और दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। और दोस्तों काफ़ी अच्छा पेड़ा बनेगा मीठा के साथ, तो चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके का पेड़ा बन के पूरा तैयार होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो दूध लेके आए हैं मार्केट से उसको हम लोग कट कर देते हैं पैकेट को, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें जो है हम लोग पहले डाल दे रहे हैं 4 लीटर दूध। दोस्तों अभी हम लोग इसमें ऐड किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कढ़ाई एकदम भर गया है। तो 4 लीटर दूध है। अब जो है फ्लेम जो है गैस का एकदम हाई कर देना है दोस्तों, और इस तरीके से दोस्तों इसको चलाते रहना है ना, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जो कढ़ाई है उसके साथ जो है आपका दूध जो है वो चिपक जाएगा, तो फिर जलने लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, एक कलछुल ले लेना है या छोलनी, और उससे क्या करना है हमें चलाते रहना है, चलाते रहना है जब तक कि ये मावा न बन जाए। अभी दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा, 4 लीटर दूध है तो लगभग दोस्तों हाई फ्लेम पे अभी हम लोग रखेंगे 3 से 4 घंटा, तब जाके ये मावा बनेगा। तो आप लोग देखते रहिए, धीरे धीरे इसी तरीके से सारा प्रोसेस होगा और आप लोग को पता चलते रहेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, क्या है कि जो कढ़ाई है उसके कात कात में ये चिपक रहा है। तो इसी तरीके से हमें चलाते रहना है धीरे 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 धीरे, और गैस का जो फ्लेम है अभी हाई रखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो दूध का कलर है वो चेंज हो रहा है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाढ़ापन आ रहा है दूध में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो थिकनेस है दूध का वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गया है, एकदम गाढ़ापन हो रहा है, और एकदम कढ़ाई के आप देख सकते हैं साइड साइड से चिपक भी रहा है। तो इस सब को हम लोग जो है क्या करेंगे, वही छोलनी के मदद से उसको जो है हम लोग जो चिपक गया उसको हटाते रहेंगे, और इसमें जो है छोलनी लगातार हम लोग चलाते रहेंगे, और अभी भी गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। तो जो पेड़ा बनेगा वो काफ़ी अच्छा पेड़ा बनेगा दोस्तों, आप लोग देखते रहिए और इस तरीके से बनाइएगा ना दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अब जो यहाँ पे हम लोग चाकू ले लिए हैं, और उससे जो है इसको जो इसके साइड में लगा हुआ उसको हम लोग जो है उससे हटा रहे हैं, है ना, कढ़ाई से उसमें जाके चिपक जाता है दोस्तों। लगभग दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 घंटा हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध है आपका वो देख सकते हैं काफ़ी थिकनेस जो है इसमें आ चुका है। तो अभी और टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि 4 लीटर दूध है इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हम लोग जो है इस बार चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो मीठा जिसको गुड़ बोलते हैं वो यूज़ करेंगे, तो काफ़ी अच्छा बनेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, तो इसलिए हम लोग इसमें जो है मीठा यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है मीठा को चाकू के हेल्प से हम लोग एकदम छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए हैं, ताकि आसानी से जब हम लोग ऐड करेंगे मावा में तो वो मिक्स हो जाएगा सब। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मीठा है पूरे तरीके से अब तैयार हो गया है, और दूध भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उबाल आ चुका है और काफ़ी थिकनेस बन चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एकदम गाढ़ापन हो चुका है, कुछ देर के बाद जो है एकदम मावा बन जाएगा, तो हम लोग इसमें मीठा को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली मीठा को ऐड कर रहे हैं, और इस तरीके से जो छोलनी है उसको हम लोग चला रहे हैं ताकि सब एकदम मिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से आपको ऐड करना है और छोलनी को चलाते रहना है धीरे 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 धीरे। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा मीठा जो हम लोग ऐड कर दिए हैं, और गैस का जो फ्लेम है अब थोड़ा सा लो कर दिए हैं, मीडियम रखेंगे नहीं तो फिर जलने लगेगा। तो अब जो है गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम कर दिए हैं, और इसको छोलनी से इसी तरीके से चलाते रहना है, चलाते रहना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा जो कलर है वो चेंज हो चुका है, एकदम मावा बन के तैयार हो गया है। तो कुछ देर के बाद जो है हम लोग गैस का जो फ्लेम है एकदम लो कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मावा बन के तैयार हो गया है, अब गैस का जो फ्लेम है उसको हम लोग लो कर दिए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे गैस चूल्हा पर से इसको अलग उतार लिए हैं, और इसको जो है पूरे अच्छे तरीके से हम लोग इसको लार रहे हैं, ताकि जो है इसमें हवा लगे तो इसमें जो है रूखापन आएगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मावा तैयार है। अब जो है हम लोग इसको बनाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मावा लेना है हाथ में और उसको हथेली के सहारे गोल गोल करना है और उसके बाद औंठा का जो है निशान वो लगा देना है। तो इसी तरीके से पूरा हम लोग बना लेंगे, उसके बाद आपको पूरा पेड़ा बन जाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे एक साथ। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सारा बना लेते हैं, उसके बाद एक ही साथ आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सारा पेड़ा बनके तैयार है। उसी तरीके से सारा पेड़ा हम लोग बना लिए हैं और काफ़ी अच्छा लुक आप लोग को दिख रहा होगा और खाने में भी दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट बना है, क्योंकि ये पेड़ा बना है मीठा में तो काफ़ी अच्छा बना है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए रेसिपी में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।